हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, आज की क्लास कक्षा 6 के लिए मैथ से अभ्यास 3F पूर्णांक। बच्चों अब हमको कोष्ठकों का प्रयोग करना आ गया, बोडमास का नियम भी समझ में आ गया और हमने पूर्णांकों को संकेतों की भाषा में व्यवस्थित करना भी सीख लिया। साथ ही अब हम कुछ और बड़ी बड़ी संख्याओं को भी हल करना सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो आपके लिए पार्ट 4 के रूप में है। अब बच्चों 3F के ही तीसरे प्रश्न में से हम कुछ इन प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। अब बच्चों हम यहाँ पर ये देखेंगे कि इस प्रश्न में ये छोटा कोष्टक है, बड़े कोष्टक को भी यूज किया है, मंझले कोष्टक को भी लिया है और यहाँ पर रेखा कोष्टक भी है। तो हमने कोष्टकों के प्रयोग में क्या सीखा था कि जब हमें सारे कोष्टक दिए होते हैं तो हम रेखा कोष्टक को पहले हटाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर अभी तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। फिर हम गुणा लगाएंगे, अब 6+ मंझला कोष्टक भी हम लेंगे। अब हम इसको देखेंगे कि क्या करना है, माइनस करना है तो 8 में से 2 घटा देंगे, कितना बचेगा 6। अब हम मंझला कोष्टक ले लेंगे और बड़ा कोष्टक भी ले लेंगे। अब हमें छोटे कोष्टक को हल करना है तो 12 में से 5 घट जाएगा, कितना बचेगा 7 गुणा। अब हम यहाँ पर मंझले कोष्टक के अंदर जो भी संख्या है उसको हल करेंगे तो 3 और 6 कितना होता है 9। और क्योंकि इसके बाहर प्लस का निशान है तो अंदर के निशान ऐसे ही रहेंगे तो वो प्लस का 9 है, तो यहाँ भी प्लस का 9 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये 7 गुणा, अब अंदर देखो 9 और 6 कितना होता है 15, तब कितना हो जाएगा 15 × 7 = 105। तो बच्चों आया आपको समझ में कि क्रमानुसार काम करना कितना आसान होता है। अब बच्चों देखो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम देख रहे हैं हमें छोटा कोष्टक दिया है और मंझला कोष्टक दिया है, तो सबसे पहले हम अपने छोटे कोष्टक को हल करेंगे, है ना। और काम हमें ऐसे ही करना होगा, तो पहले 16 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, मंझला कोष्टक लेंगे, अब यहाँ पर हम 1 लिखेंगे प्लस। अब इसको हम ये देखते हैं कि प्लस है तो मेरे अंदर के निशान ऐसे ही रहेंगे, तो 16 में से 3 घटा दिया तो कितना बचा 13, वो 13 प्लस का रहा, बाहर भी मेरा प्लस ही है, ठीक है। अब गुणा 4, ये मंझला ब्रैकेट लगा दिया। अब हम फिर से 16 लेंगे प्लस, अब हम क्या करेंगे मंझला ब्रैकेट ही लगाएंगे अभी यहाँ पे, और क्या करेंगे 13 की 4 में गुणा करेंगे, 1 + 13 = 52, और ये हम मंझला ब्रैकेट लगा देंगे। फिर से 16 प्लस, अब 52 में जब 1 जोड़ेंगे तो वो कितना हो जाएगा 53, और 53 में जब हम 16 जोड़ेंगे तो अब कितना हो जाएगा 6 × 3 = 9, 5 + 1 = 6, कितना आंसर आया हमारा 69, ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो इसको हल करने के लिए हम पहले रेखा कोष्टक हटाएंगे, फिर छोटा कोष्टक, फिर मंझला कोष्टक और फिर बड़ा कोष्टक हटाएंगे, तो ठीक है। ठीक है काम करना शुरू करते हैं, 3 - 3 - 3 - अभी 3 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा 0 और ये कोष्टक हट जाएगा, ठीक है। छोटा कोष्टक लगा दिया, मंझला लगा दिया, बड़ा लगा दिया, अब फिर से 3 - बड़ा ब्रैकेट 3 - मंझला ब्रैकेट 3। अब बच्चों 3 में से 0 घटेगा तो 3 ही बचेगा लेकिन वो प्लस का होगा, अब ब्रैकेट से पहले माइनस है तो अंदर के निशान बदल जाएंगे, तो क्या हो जाएगा जो ये प्लस है वो माइनस में बदल जाएगा और 3 आ जाएगा बाहर। अब हम मंझला ब्रैकेट लगाएंगे और बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, अब इसके बाद 3 आया माइनस, अब यहाँ पर 3 लिखा, माइनस लगाया और अंदर का हल किया तो 3 में से 3 गया तो 0 ही आया, अब बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, फिर से 3 - अब बच्चों 3 में से जब 0 घटाएंगे तो 3 ही बचेगा लेकिन ये मेरा प्लस का है और बाहर है माइनस, तो अंदर के निशान बदल जाएंगे तो माइनस आएगा, ठीक है। अब 3 में से 3 घटा देंगे तो कितना आएगा 0, यही मेरा आंसर है बच्चों। अब बच्चों
इस प्रश्न में हम ये देख रहे हैं कि इसमें हमें पहले रेखा कोष्ठक हटाना है, फिर छोटे कोष्ठक हटाने हैं, फिर मंझला हटाएंगे, बाद में बड़ा हटाएंगे। तो हमने 112 ऐसे लिखा, ये माइनस लिया, 121 लिया बड़े ब्रैकेट के साथ, भाग लिया है ना ब्रैकेट में, छोटे ब्रैकेट में 11 गुणा 11 लिखा, ब्रैकेट बंद, ये माइनस ब्रैकेट में माइनस 4। अब हम मंझला ब्रैकेट लगाएंगे, 3 माइनस, अब 8 में से एक हटा देंगे इस रेखा कोष्ठक हटाने के लिए, तो बचेगा हमारा 7। ठीक है, अब हम अपने छोटे ब्रैकेट पे काम करेंगे। माइनस ब्रैकेट लिया 121 भाग 11 की 11 में गुणा करते हैं तो हमारे को 121 मिलता है, मतलब 11 का स्क्वायर 121। अब इस ब्रैकेट को भी हटाने के लिए माइनस की माइनस में गुणा किए तो ये प्लस हो गया माइनस। अब हम मंझले ब्रैकेट को हटाएंगे तो जब 7 में से 3 घटेगा तो माइनस का 4 बचेगा। अब ये माइनस बाहर है तो अंदर का माइनस प्लस में बदल जाएगा बच्चों, ठीक है। अब हम भाग लगाएंगे तो 121 का 121 से भाग लगाएंगे तो एक ही बचेगा, फिर ये प्लस का 4 हो गया, ये प्लस का 4 हो गया, ठीक है, सही जा रहे हैं। 112 माइनस, इन सभी को जोड़ लो, 4 1 और 4 5, 5 और 4 9, अब कितना हो जाएगा, 112 में से 9 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 103। यही मेरा आंसर है बच्चों। बच्चों अभी इस वीडियो में इन्हीं प्रश्नों के साथ हम अभ्यास करेंगे, इसके दूसरे प्रश्नों को हल करने के लिए हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।